लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लगते ही जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी कि जिले में 1010 पोलिंग बूथ हैं, जिनमें से 597 ग्रामीण बूथ शामिल हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसमें नैनीताल जिले में 7,98,274 मतदाता हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी घोषणा करी गई है चुनाव की, उसका हम लोग यहाँ से जो तैयारियाँ चल रही हैं जनपद स्तर पर, उसके लिए आज राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक रखी गई है और साथ में जो इलेक्शन का जो शेड्यूल जारी हुआ है उसके अनुसार सभी जो हमारे अधिकारी इलेक्शन ड्यूटी में इन्वॉल्व हैं उनके लिए जितनी भी व्यवस्थाएं कराई जानी होती हैं, मैन पावर, मटेरियल और अन्य प्रकार की, वो सभी करा ली गई हैं। ट्रेनिंग्स लगातार चल रही हैं। जो पोलिंग पार्टीज हैं उनका गठन प्रथम रैंडमाइजेशन के बाद जो संख्या फ्रीज करी जानी होती है जिन लोगों की ड्यूटी लगेगी इसमें, वो कर ली गई है। इसके बाद जो अन्य प्रक्रियाएं हैं पोलिंग पार्टी के गठन की और उसकी, वो जो समय 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 पर जैसे जैसे उनका समय आता है रैंडमाइजेशन करके करी